नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली की। यहां साकेत इलाके में आईजीएल गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। साथ ही बात करेंगे संभाजीनगर की, जहां मोटरसाइकिल चुराने वाले चोर गिरफ्तार किया गया। बताएंगे कैसे उतरौला में सीएचसी उतरौला में गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करती महिला चिकित्सक दिखी। तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। इन दिनों पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का सितम जारी है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी तापमान लगभग 50 डिग्री के पास पहुंच गया है। भीषण गर्मी के चलते मौसम विभाग के द्वारा दिल्ली में गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है तो दिल्ली के कई इलाकों में गर्मी के चलते आग लगने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला दक्षिणी दिल्ली के साकेत पर्यावरण कॉम्प्लेक्स का है। यहाँ शुक्रवार 31 मई की मध्य रात्रि को गली में घर के बाहर आईजीएल गैस पाइपलाइन में भयंकर आग लग गई। इसके बाद इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते नीचे से घर के बाहर लगी पाइप में आग ऊपर तक चली गई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग और दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए दक्षिणी दिल्ली जिले के DCP अंकित चौहान ने बताया कि मध्य रात्रि में लगभग पर्यावरण कॉम्प्लेक्स आके दिल्ली के घर में आग लगने की सूचना पुलिस स्टेशन महरौली को मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जहां पहुंचने पर पता चला कि घर के बाहर आईजीएल गैस पाइपलाइन में आग लगी हुई थी। दो दमकल गाड़ियों ने पहुंचकर आग बुझाई। हालांकि स्पष्ट रूप से आग लगने का कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन देखने पर तकनीकी समस्या मालूम होती है। उन्होंने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, क्योंकि दमकल कर्मियों ने लगभग 20 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया और एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा ली। दिल्ली से सीनियर संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके झाबुआ जिले में हजरत दीदार अली रहमतुल्ला अलह का चौथा उर्स झाबुआ में मनाया जा रहा है। ये उर्स पानी की टंकी के पास आस्थाने पर चादर पेश कर दुआ मांगी गई। उर्स का आगाज 30 मई को मिलाद महफिल में आगाज हुआ। यहाँ उत्तर प्रदेश से सैयद मुकीमुर रहमान साहब ने अपनी तकरीर पेश की। 31 मई को इमाम बाड़े से चादर जुलूस निकाला गया, जो कि आस्थाने पर हजरत दीदार सावली रहमतुल्ला अलह की मज़ार पर पेश की गई और दुआ की गई। रात में ही महफिल समा का आयोजन रखा गया। यहाँ कव्वाली का प्रोग्राम चलेगा। सुबह में श्रद्धालुओं के लिए लंगर का इंतजाम किया गया है, जो कि मारुति नगर नूरी मस्जिद के पास रखा गया है। आज रोज सरकार दीदार साहब अली का उर्स मनाया गया और ये उर्स की तरतीबात कई सालों से यहाँ मनाई जाती है। इस साल भी जैनुद्दीन भाई की तरफ से ये उर्स की तरतीबात मनाई गई। कल यहाँ पर संदल चादर हुआ, आज भी यहाँ पर चंदल चादर हुआ। कल रात के अंदर तकरीर का यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें रामपुर से सैयद मुकीम अली साहब तशरीफ़ लाए थे, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से बयान किया और दुनिया लोगों को, झाबुआ के लोगों को उनका दर्श दिया कि अल्लाह के वली क्या होते हैं। आज रात में भी यहाँ पर छोटा सा एक कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया है, जो हर साल रखा जाता है। इस साल भी कव्वाली का प्रोग्राम यहाँ पर रखा जाएगा। इसी तरह से इस उर्स को हर साल मनाते हैं और हर साल मनाते रहे। कल का क्या प्रोग्राम है? कल सुबह में सरकार का लंगर खिलाया जाएगा और कल लंगर नियाज होगी और नियाज के अंदर हर हिंदू मुसलमान भाई तशरीफ लाएंगे और नियाज खाएंगे। कहाँ पर है आयोजन? आयोजन रखा गया है नूरी नगर में, सरकारी स्कूल के पास। झाबुआ से सीनियर संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। फुलंबरी तालुका के बड़ौदा बाजार पुलिस स्टेशन ने पुलिस स्टेशन बड़ौदा बाजार में GR संख्या 191/2024 धारा 379 IPC के तहत मोटरसाइकिल चोरी का मामला दर्ज किया। उक्त अपराध का पर्दाफाश करने के लिए सौपोनी SA इंगले ने पोपानी कोला से पोहे काऊ पटेल PO वाक्ते PO गायकवाड़ की टीम नियुक्त की थी। अपराध की जांच चल रही थी, तब गोपनीय मुखबिरों से जानकारी मिली कि वाहन चोरी शेलगांव से हुई है। संदिग्ध आरोपी भाई कन्नड़ से हैं। उक्त अपराध की जांच
में संदिग्ध आरोपी भाऊ साहेब ओंकार देवेने को उसके साथी के साथ उक्त जानकारी की जांच के बाद गिरफ्तार किया गया। टीम ने उक्त अपराध में चोरी किए गए माल के साथ 4 चोरी की मोटरसाइकिलों सहित 5 मोटरसाइकिलों को जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक मनीष कलवानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील लांजेवार, उप विभागीय पुलिस अधिकारी विजय पाटिल के मार्गदर्शन में पुलिस स्टेशन वरोद बाजार के सपोहरनी इससे सुनील इंगले, पौपानी गजानन कौलासे, पोहे कौ पटेल, पो आम बागते, पो आम गायकवाड़ ने किया है। अपराधी आगे की जांच पोहे काऊ पटेल द्वारा की जा रही है। छत्रपति संभाजीनगर से सीनियर संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। महिला संबंधी अपराधों में शिवपुरी पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। पुलिस थाना दिनारा द्वारा नाबालिग बालिका के साथ हुए बलात्संग के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी दिनारा उन्नी, संतोष भार्गव, थाना उप प्रभारी अमोला उन्नी, अमित चतुर्वेदी समेत कई सहयोगियों की सराहनीय भूमिका रही। एक नाबालिग फरियादिया द्वारा थाना दिनारा में कंप्लेंट की गई थी कि लड़के की मित्रता 15 दिवस पूर्व विपिन यादव नाम की एक लड़के के साथ हुई थी। फोन पे भी इनकी बात होती थी। इसके बाद में 28 तारीख को विपिन यादव अपने एक अन्य मित्र जाकिर खान के साथ में लड़की से मिलने गया और लड़की को खाना खिलाने का बोल के और बाहर एक होटल का कि चलो होटल चलते वहाँ खाना खाएंगे ऐसा कह के लेके गया। किंतु वहाँ ले जाने के बजाय तिवारी वाटिका है यहाँ पे, वहाँ पे वो लड़की को ले गया। बाद में वहाँ पे विपिन यादव ने उसके जो साथी था जाकिर खान और एक और उनका साथी था शौकीन खान, इन्होंने बारी बारी लड़की के साथ में बलात्संग किया। ये रिपोर्ट बहुत ही गंभीर प्रकृति की थी। जैसे ही प्राप्त हुई थाना प्रभारी द्वारा मुझे भी अवगत कराया गया। तत्काल मैंने एसडीपी साहब को बोला कि आपके विभाग की जितनी भी टीमें हैं सभी को एक्टिवेट करिए और तुरंत प्रभाव से इन पर 10,000 रुपये का इनाम भी आरोपी को घोषित किया गया था। सारी टीमों ने लग के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें धारा 376 पॉक्सो एक्ट की कायमी की गई है और इसके बाद में अग्रिम विवेचना की जाएगी। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उत्रौला में प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस शनिवार को मनाया गया। यहां सैकड़ों गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मौके पर मौजूद डॉक्टर छरना रस्तोगी, डॉक्टर शालिनी ने दूरदराज क्षेत्र से आई सैकड़ों गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें अपने स्वास्थ्य, बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने को कहा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उत्रौला के अधीक्षक डॉक्टर चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि शासन द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य की जाँच के लिए स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस मनाया जाता है। केंद्र पर आने वाली महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे का परीक्षण किया जाता है। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में किसी तरह की कठिनाई आने पर उनके इलाज के लिए सरकारी खर्च पर जिला चिकित्सालय भेजा जाता है। योजना गर्भवती महिलाओं के प्रसव स्वास्थ्य केंद्र पर कराए जाने पर सरकार से मिलने वाली सहायता की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव कराने के लिए प्रेरित किया जाता है। उत्रौला बलरामपुर से सीनियर संवाददाता कमल किशोर गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।